हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद इल्मा खुशामदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही है, लेकिन अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अभी चलते हैं नानी के घर क्योंकि घर पर कोई नहीं है, फातह लगनी है शरबत पर, तो नानी घर चलते हैं। वहाँ से हमारे नेबर हैं, वहाँ से वो आ जाएंगे ताकि वो फातह दे दें। तो अभी चलते हैं नानी घर, एक साथ ही दोनों जगह फातह दिल जाएंगे। ये रहा शरबत, इसको ढक दो सना, ये सना पकड़ भी लो ये लो पकड़ लो और नानी घर चलते हैं। मगरिब की भी नमाज हो गई होगी, हम आ गए होंगे, है ना? चलो फिर चले। चले भाई जल्दी से चलते हैं, नमाजी आ रहे हैं, नानी घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फातह लगवा दी क्या नानी आपने? नहीं लगी है ना? अच्छा अच्छा, चलो आ जाएंगे अभी। तो शरबत पर अभी फातह हो गई है और शरबत हाथ में आ गया। शरबत देख के तो बिल्कुल नहीं रहा जाता, तो पी लेती हूँ अब इसको। और सना बैठी है, इसको भी देना है मुझे, पूरा नहीं पीऊँगी मैं नानी ने शरबत बहुत अच्छा बनाया, अपने घर का रख दिया, वो आरिफा पी लेगी। आप हमारी आरिफा से मिलिए जो मिल्क नहीं पीती है पर शरबत पीती है, वो भी मिल्क का। वाह आरिफा, ऐसा क्यों? जनता जानना चाहती है। गुड़ खाओ गुलगुलों से पहले बिल्कुल यही है आपका क्या तरीका? 10 दिन सिर्फ मेरे लिए शरबत अवेलेबल है क्योंकि ये शरबत ही पीती है, सिर्फ मिल्क तो पीती ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन इसमें भी दूध है, लेकिन इसको पता नहीं क्या ये पसंद है और वो नहीं पसंद। इसमें मतलब टेस्ट अलग ही आता है, बढ़िया, एकदम मस्त लगता। कोई बात नहीं, बढ़िया पी ले, जब कुछ तो पीती है मेरा बहुत अच्छा। और नानी देखिए आम भी ले आई इतनी देर में, नानी के घर आओ कुछ मिले नहीं, देखो बनाना खा रही है लड़की और सना छील रही हैं मैंगो। ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ। बड़ा कितना है ये? है देखो ये ना कैरी लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, पर छिलो फिर फटाफट। आम सही है ना? हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया। कैसा है आरिफा? बेचारी को इतना देखो, खा कैसे रही छोटी बच्ची की तरह। बहुत अच्छा एकदम, ये ले आती है मैं डर जाती हूँ। मेरे हाथ में भी आ चुका है आम। अरे वाह नानी, ये बहुत मीठा है, सच में है ना? कितना मीठा है ये। तो मैं अभी आ गई हूँ घर क्योंकि घर पे चाची अकेली थी और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। तो पापा आ जाएं फिर मैं भी जाऊँगी दवाई देने, तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है। मैं और मोहम्मद मुनीर फिर निकल गए दवा लेने के लिए। मोहम्मद मुनीर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी फीवर हो रहा था और खांसी भी बहुत हो रही थी। जब तबीयत ख़राब होती है ना फिर दूसरे की हो जाए तो और ज़्यादा बुरा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो तू भी चल मेरे साथ में, अभी साथ में ही ले आते हैं दवा। और रात भी हो रही थी तो फिर हम दोनों चले गए। उससे पहले हम पहले गए एक कैफ़े पे क्योंकि हमें वहाँ से भी थोड़ा काम था, तो हम पहले वहाँ गए। वहाँ से हमने थोड़ा डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कराई और फ़ोटो निकलवाए वहाँ से। ये भी बंद होने ही वाला था लेकिन ये तो अच्छा हुआ हम लोग पहले यहाँ आ गए, अगर डॉक्टर के पास पहले चले जाते तो कैफ़े बंद हो जाता, तो इसलिए हमने सोचा पहले यहाँ का काम निपटा देते हैं। तो पहले हमने यहाँ से जेरोक्स वगैरह करा ली थी, फ़ोटो वगैरह निकलवाए, फिर हम चले गए डॉक्टर के पास। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था अकेले पे, सच में नीचे से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर यहाँ से हम निकल गए थे, यहाँ पे दुलमिया के मज़ार आ गया और फिर फाटक भी बंद हो गया, तो हमने फिर सोचा हम उतर के ही क्रॉस कर लेते हैं लाइन को। तो मोहम्मद मुनीर और हमने लाइन क्रॉस करी और डॉक्टर के यहाँ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो, इसलिए वीडियो शूट नहीं करने देते।
फिर हम गए हॉस्पिटल, वहाँ से पापा जी की दवा लेनी थी। पापा के भी हाथ में एक एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर जिद करी उनकी, नहीं पापा आप भी लेकर आइए दवाई। तो फिर पापा को लेकर गई मैं हॉस्पिटल, वहाँ से हम लोगों ने दवा ली पापा के लिए। यहाँ पे पापा ले रहे थे, और फिर पेट्रोल भी नहीं था तो सोचा गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लें, लेकिन फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी मेरी। तो फिर पापा ने पेट्रोल नहीं डलवाया और फिर वहाँ से हम लोग निकल आए, और फिर मैं आ गई थी घर पर। रात में दवा लेकर आ गई थी लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अब मैं शूट कर रही हूँ, तो अब थोड़ी सी बेहतर है। मोहम्मद मुनीर की भी दवा लेकर आई थी, वो भी अब ठीक है। बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।